Hello students, welcome you all to online classes. This is your geography video. In geography, we are starting our new lesson, lesson 6, human resources. So students, let's start our lesson. तो स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए. जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हमारा ज्योग्राफी चल रहा है, मैं आपको ज्योग्राफी ही पढ़ा रही हूँ. तो ज्योग्राफी में ही आपका नेक्स्ट लेसन है, लेसन 6 ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक है, और पेज नंबर है 51, आप सबने निकाल लिया होगा. तो चलिए आज की पढ़ाई हम शुरू करते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? मानव संसाधन, यानी कि हम ह्यूमन बींग किस तरह से क्या काम करते हैं और क्या 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 चीजों की जरूरत पड़ती है. तो ह्यूमन्स आर द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन अर्थ. व्हाट डू यू थिंक इट इज सो? यू हैव रीड अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ. इट इज अ ह्यूमन हु यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू क्रिएट एन इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इट इज ह्यूमन हु बिल्ट वेल फॉर द नेशन. इट इज ह्यूमन हु हैव इन्वेंटेड मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी. एंड इट इज ह्यूमन हु हैव डिवाइस स्पेस एक्सप्लोटेशन. हाउ हैव ह्यूमन्स अचीव ऑल दिस? इज देयर अ स्किल, टैलेंट, एबिलिटी एंड नॉलेज एज वेल एज आइडिया विच आर द यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन. तो स्टूडेंट ये बताया जा रहा है कि इस अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन, इंसान. अगर इंसान ना हो तो कैसे कुछ हो सकता है? आपने लास्ट लेसन में पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था. तो इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए. उनको यूज करने की ताकत किसमें, किसमें शक्ति है? ह्यूमंस में, इंसान में. वही मशीन बनाते हैं, वही इसको क्रिएट करते हैं, उसका यूज कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है. साथ ही हमारे जो स्पेस में जो एक्सप्लोटेशन, जो मतलब अलग अलग जानकारियां हैं उनके बारे में पता किया है. साथ ही उसके स्किल्स के, टैलेंट्स के भरोसे, उनकी एबिलिटी की वजह से, नॉलेज की वजह से, नए नए आइडिया की वजह से बहुत सारे गुड्स जो होते हैं या सामान का हम प्रोडक्शन करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन अलग जगह वितरण करते हैं और साथ ही उनका कंजप्शन किया जाता है. तो अगर मानव ना हो तो ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं? पॉसिबल? तो ये सब असंभव है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अलग अलग जगह पे पॉपुलेशन कैसे रहती है, मतलब अलग कहीं कहीं जगह पे पॉपुलेशन बहुत होती है, कहीं कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है. द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग उसमें लोग रहते हैं, उसको ही हम कहते हैं पैटर्न ऑफ आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन. द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 7 बिलियन पीपल इन 2011 ओवर द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ 136 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इज मार्क बाय मैनी कॉन्ट्रेस्ट. यानी कि क्या बता रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है उसमें जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग जगह पे अलग तरीके से असमान वितरण है, यानी कहीं पे इक्वली नहीं रहते हैं. ठीक है, और हमारी 2011 तक का हमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी? 7 बिलियन पार कर चुकी थी. ठीक है, तो एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप आर द मोस्ट क्राउडेड. फ्यू पीपल लिव इन डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज. 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया एंड अफ्रीका. 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टे इन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज. मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू दिस एक्सट्रीमली अनइवन स्पेचुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो हमारे वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेशन जो है सबसे ज्यादा कहाँ रहती है? एशिया और यूरोप में. सबसे ज्यादा भीड़ भाड़, सबसे ज्यादा लोग रहने जो रहते हैं वो एशिया और यूरोप में ही रहते हैं. और कई लोग, बहुत कम लोग जो है डेजर्ट्स में, यानी कि रेगिस्तान में, जंगलों में और हाई अल्टीट्यूड एरियाज में रहते हैं. और 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो हमारे जनसंख्या है पूरे संसार की, उसके 3/4 लोग, ये 10 जो कंट्रीज हैं सिर्फ यहीं पर रहते हैं, जो कि अब एशिया, अफ्रीका है और कुछ और कंट्रीज हैं उनमें रहते हैं, बस दो मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज हैं. अब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का घनत्व. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अ रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द लैंडेड एरिया. द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री और एनी स्पेसिफिक रीजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बाय द टोटल ज्योग्राफिक एरिया ऑफ देयर कंट्री और रीजन. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर कैन हेल्प अस टू नो द प्रेशर ऑफ द पीपल ऑन लैंड.
The world density of population about 50% per square kilometer. Though the actual distribution in every complex, we can divide the world in three parts of those study, the distribution as per the density of population. यानी कि हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे पता कर सकते हैं, उस एरिया का हमारा मतलब जो स्पेस है, पर्टिकुलर एरिया है, उसका कितना एरिया है, कितना स्पेस है उसको, और जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल आएगा. और लगभग क्या आता है हमारा कि एक जो किलोमीटर है, एक बार पर स्क्वायर किलोमीटर हमारा जो एरिया है उसमें कम से कम 50 लोग 50% रहते हैं. द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यानी कि जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है आर द फर्टाइल रिवर वैलीज एंड द इंडस्ट्रियल रीजन. द मोस्ट क्राउडेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर द साउथ एंड सदर्न एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड द नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. दीज एरियाज आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. इफ यू स्टडी क्लोजली यू मे नोटिस दैट ऑलमोस्ट एवरी कंट्री हैज पॉकेट्स ऑफ हाई डेंसिटी. यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहती है, उन एरियाज पे जहाँ पर रिवर्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, वैलीज वगैरह होती हैं या फिर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं. और मोस्ट क्राउडेड पार्ट कौन से हैं आपके, साउथ एंड द साउथ एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड द नॉर्दर्न ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा लोगों की जहाँ पर निवास करते हैं, जनसंख्या का बहुत अधिक घनत्व है यहाँ पर. द स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया आर द हॉट डेजर्ट, वेरी कोल्ड पोलर रीजन, सैंडी एंड द रॉकी डेजर्ट एंड द इकोलेटिव फॉरेस्ट. द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दिस रीजन आर नॉट सुटेबल फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. Some people have settled in those areas where minerals and power resources are available in large quantity. तो दूसरे areas कौन से होते हैं जो जहाँ पे बहुत medium size में भी लोग रहा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, और ये हमारे economic district से मतलब कि हम वहाँ पे काम धाम कोई start नहीं कर सकते हैं, कोई employment नहीं होता, इसलिए भी यहाँ लोग रहना कम पसंद करते हैं. अगर कुछ लोग रहते भी हैं तो वो किसकी वजह से रहते हैं, वहाँ पे minerals और power resources वगैरह होते हैं तो उनकी वजह से ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. अब है मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया आर द डेल्टाज ऑफ रिवर्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूएसए, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड यूरेशियन कनाडा, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड एंड पार्ट्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन साउथ अमेरिका. द मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज आर नॉट फाउंड एज अ कंटिन्यूस रीजन, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव माइग्रेटेड इन दिस एरिया ड्यू टू द फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जिन एरियाज में बहुत ज्यादा डेल्टाज ऑफ रिवर होती है और सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए का जो पार्ट होता है, यूरेशिया कनाडा जो होते हैं, यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, बहुत कम लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और जो लोग यहाँ रहते भी हैं तो वो भी इस जगह को छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह पर जाने लगे जहाँ पर उनको हर चीज आराम से मिल सके. इट इज नोटिस दैट मोर पीपल लिव इन द डेस्ट कंट्री विच आर नॉट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट डोज इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन 10 कंट्रीज, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड जापान. The total population of each one of them is more than 100 million. ये हमारे 10 countries से सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी इन्हीं जगह पे पाई जाती है, और हर एक जो हमारा देश है उसकी जो population है कम से कम मान लीजिए 100 million से ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं है. तो ये हमारे more populated areas हैं ये. Okay? तो बच्चों आज की क्लास में बस आपको मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ. आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, वीडियो को ध्यान दीजिएगा. आपको ये पिक्चर्स दी हुई है, देखिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और मॉडरली पॉपुलेटेड एरिया, कहाँ पे कितनी भीड़ होती है, कहाँ पे कितनी कम होती है. ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा कि अपना सर्च करिएगा कि मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, मेन जो टॉप 5 है उनको सर्च करिएगा और लिख लीजिएगा. तो आगे का जो क्लास होगा मैं आपके वीडियोज में नेक्स्ट आगे का लेसन आपको पढ़ाऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही.